ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो शिव मंदिर में जाकर भोले बाबा पर जैसे ही बेलपत्र चढ़ाते हैं और बस उतनी ही देर में कोई ना कोई आकर आपके बेलपत्र को उतार कर एक किनारे रखकर और अपना जल और अपना बेलपत्र चढ़ा देता है, तो क्या आपका जो बेलपत्र शिवलिंग से नीचे उतार कर रख दिया गया है, क्या उसे भोले बाबा स्वीकार करते हैं? ऐसा सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि जैसे ही भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर आंखें बंद करके उनके सामने बैठते हैं और एक ही झलक में आपकी बेलपत्र या जो भी सामग्री शिव को चढ़ाई है वो उतार कर किनारे रख दी जाती है, तो क्या हमारी उतार दी गई बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं या हमारे द्वारा की गई पूजा को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? तो दोस्तों, इस बारे में शिव पुराण की कथा कहती है कि कभी भी किसी और व्यक्ति द्वारा बेलपत्र या और जो सामग्री शिवलिंग पर समर्पित की गई है उसे कभी भी ईर्ष्यावश हटाकर अपने द्वारा लाया गया जल भोले बाबा को नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही अपने द्वारा लाया गया बेलपत्र आदि चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति ईर्ष्यावश दूसरे के द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्र को उतार देता है और स्वयं जल चढ़ाता है तो उस व्यक्ति की पूजा शंकर भगवान कभी नहीं स्वीकार करते, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। लेकिन हाँ, यदि आपको अपना लाया हुआ जल और बेलपत्र आदि सामग्री चढ़ाना है शिवलिंग पर, तो आप पहले से ही चढ़ी सामग्री को प्रेम से, आराम से, बिना ईर्ष्या के उतार कर उस सामग्री यानी बेलपत्र को उतार कर शिवलिंग के किनारे रख सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा उसी की पूजा स्वीकार करते हैं जो व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना रखता हो और प्रेम से पूजा करता हो। दूसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को तुरंत के तुरंत प्रेम से भी उतार कर रख देता है, तो क्या आपके बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार करते हैं? तो इसके बारे में जानने के लिए शिवपुराण में वर्णित एक बात ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि पार्वती माता भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करती थी। पुष्प, धतूरा आदि सामग्री जो भी है वो शिव बाबा को जो पसंद थी वो समर्पित करती थी, और माता पार्वती की सखियां थी वो शिवलिंग पर चढ़ी सामग्री को तुरंत के तुरंत उठाकर ले जाती थी। इससे माता पार्वती बहुत दुखी हो जाती थी। तो एक बार पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं जैसे ही आपकी पूजा करती हूँ, बेल पर चढ़ाती हूँ, वैसे ही हमारी सहेलियाँ आप पर चढ़ाई गई सभी सामग्रियों को उठाकर ले जाती हैं, मैं इनका क्या करूँ? क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करते हैं? फिर महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, जिस समय पर तुम बेलपत्र लेकर मेरे सामने बैठ हो या बेलपत्र जब तोड़ने जाती हो या तोड़कर लाती हो, उसी समय पर वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाती है, और फिर उसके बाद तुम मुझे चढ़ाओ या न चढ़ाओ। तो जिन लोगों का ये कहना है कि जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वैसे ही कोई दूसरा आकर आपके बेलपत्र को उतार कर अपनी बेलपत्र चढ़ा देता है, तो हम यही सोचते हैं कि क्या भगवान शिव हमारी बेलपत्र को स्वीकार किए होंगे या करेंगे? तो अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, हमारे भोले बाबा का यही कहना है कि जिस वक्त हम बेलपत्र को पेड़ से तोड़ने जाते हैं या बेलपत्र को थाली में लेकर भगवान शिव के पास बैठते हैं, उसी समय वो बेलपत्र भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही बेलपत्र को दिल से समर्पित कर दिया है भोले बाबा पर, तो उसे भोले बाबा तुरंत के तुरंत स्वीकार भी कर लेते हैं और आपकी पूजा सफल भी कर देते हैं। हर हर महादेव।